स्टूडेंट्स, ये स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस 2023 स्टेम का क्वेश्चन पेपर है, क्लास 9। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो हमें आप जैसे बच्चों से व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मिले हैं। अगर आप में से किसी को भी ये क्वेश्चन गलत लगते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप में से किसी को भी और क्वेश्चंस याद आ रहे हैं तो हमें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चंस मैच कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम ए क्यूब प्लस बी क्यूब और इंटू ए फोर माइनस बी की पावर फोर। आपको इसमें एलसीएम बताना था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ जैद क्रॉप। जैद क्रॉप के आपको एग्जाम्पल बताने थे, इसका आंसर था वाटरमेलन और कुकुम्बर। सर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसे आपको सिंपलीफाई करना था, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, दूध में एक बाल्टी में दूध की एक बाल्टी में 5% पानी है। अगर इस 10 लीटर दूध 10 लीटर हो तो पानी की मात्रा 2% करने के लिए कितना दूध की मिलाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर भी मैथ्स का है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, ए माइनस बी इक्वल्स टू 9, ए बी इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अल्जेब्रिक आइडेंटिटी का सवाल था। क्वेश्चन नंबर सिक्स भी अल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 27 रूट 29, देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लीजिए, एलपीजी गैस की लीकेज पहचानने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है इथेनॉल मैक्रप्टन। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, इनमें से कौन कौन से ग्रह ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वीनस और यूरेनस। सिर्फ वीनस और यूरेनस ही दो ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं, बाकी अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न जैसे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। ठीक है, क्लास क्वेश्चन नंबर नाइन, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इनमें से कौन सा रसायन प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्टिल्ड वाटर। क्वेश्चन नंबर टेन देखिए, कोन के ऊपर से दिखने पर कौन सा शेप दिखाई देगा। कोन को अगर आप टॉप व्यू से देखें तो आपको सर्कल दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का रेशियो 1:5:6 है, तो उसकी साइड्स का मीन 64 सेंटीमीटर है, तो फोर्थ साइड क्या होगी। तो ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। आपको तीन साइड का रेशियो दिया गया है, आपको मीन दी गई है यानी एवरेज दिया गया है चारों साइड्स का, तो आपको फोर्थ साइड पता करनी है। तो ये थे वो कुछ क्वेश्चन जो हमें आप जैसे बच्चों से मिले थे। अगर आप में से किसी को कोई और क्वेश्चन याद आ रहा हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें। ये बहुत ज़रूरी है आने वाले बच्चों की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि स्टेम का पेपर नहीं मिलता है इस वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीमेल्स हॉर्मोन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। ठीक है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हमें अभी फिलहाल नहीं पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो इनमें से कौन सी चीज़ ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये थे आपके स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस के कुछ क्वेश्चन जो हमें आप जैसे बच्चों से मिले हैं। अगर आप में से किसी को कुछ क्वेश्चंस याद आ रहे हो तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें। ये बहुत ज़रूरी है आने वाले बच्चों की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम का पेपर हमें नहीं मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।